I only choose to share things which I want to share. किसी की लाइफ फॉलो करने की आदत लग जाती है तो एक ऑब्सेशन बन जाता है किसी को फॉलो करने के लिए। अब Q&A के दौरान आप में से कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं कौन से YouTube चैनल्स फॉलो करता हूँ, पर एक चैनल जो मुझे बहुत ही पसंद है वो है इरफान जुनेजो का व्लॉग चैनल। एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होती है। आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, आपका नए लोगों से इंटरेक्शन बहुत रहता हो, और आपकी लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो। मेरे पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। मुझे उनके व्लॉग्स की एडिटिंग और स्टोरी टेलिंग बहुत ही पसंद है। मतलब आई लव हिज क्रिएटिविटी इन हिज वीडियोस। पर एक बात जो बहुत ही अजीब है वो है कि मैं उनके व्लॉग देखता हूँ जहाँ वो अपने घर से अपने फ्रेंड के पास जा रहे होते हैं। तो ये बहुत अजीब है कि मैं ऐसे वीडियो देख रहा हूँ जहाँ वो बहुत बोरिंग चीज़ें कर रहे हैं, पर तब मैं सोचता हूँ कि मैं ये व्लॉग देख भी क्यों रहा हूँ, और मैं अकेला नहीं हूँ। जैसे ये है रवि कृष्णन और लक्ष्मी कृष्णन केरला से, जो 2019 तक एक नॉर्मल कपल थे जो एक 9-to-5 जॉब कर रहे थे बैंगलोर। ये है इसाक मुंडा उड़ीसा से, जो एक टाइम पर एक डेली वेज लेबरर की तरह काम कर रहे हैं। और फाइनली ये है अर्जुन भमरोलिया ग्वालियर से। अब ये तीनों आम व्यक्ति जैसे लगते हैं, पर वास्तव में ये सभी व्लॉगर्स हैं, और इनके चैनल के कई लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, और हर वीडियो को ऑलमोस्ट 2-3 लाख लोग देखते हैं। और हम सभी लोग व्लॉग देखना बहुत ही पसंद करते हैं। 2021 के ग्लोबल सर्वे के हिसाब से करीब 40% फीमेल इंटरनेट यूजर्स और 30% मेल इंटरनेट यूजर्स डेली व्लॉग देखते हैं। आपको बस अपना मोबाइल लेना है, अपने आप को रिकॉर्ड करना है, और हो सकता है कि कई लोग आपके व्लॉग देखने लग जाए। तो क्वेश्चन है कि हम सब व्लॉग देखना इतना पसंद करते क्यों? अरे आ जाएगा, आप इतनी सुंदर शक्ल है तो वो भी आ जाएगी। हिंदी में आंसर करूं या इंग्लिश? Why do you think people are watching your vlogs? लोगों को थोड़ा बहुत ड्रामा पसंद है। लोग इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि they want to see how life is like in other countries, you know? तो वो एक डर लगता है कि भाई मैंने किसी कितना तो अपसेटिंग कर दिया उसको कि कुछ बदला बदला निकाल दे, you know, कुछ कर दे। अब सबसे पहले समझते हैं कि व्लॉगिंग की हिस्ट्री क्या है। जो व्लॉगिंग का वर्ड है वो एक्चुअली दो वर्ड से बना है, वीडियो और ब्लॉगिंग। अब कई लोग अपनी एक्टिविटीज कैमकॉर्डर्स पर रिकॉर्ड कर रहे हैं 1980s से, जब सोनी ने कैमकॉर्डर को रिलीज किया था। पर इंटरनेट पर जो हर वीडियो होता है वो व्लॉग नहीं होता। हर व्लॉग की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला कि व्लॉग एक पर्सन की स्टोरी होती है जो पब्लिक व्यूइंग के लिए होती है, और दूसरा कि जो व्लॉग में नरेटर और कैमरा पर्सन होता है वो सेम व्यक्ति होता है। ऐसा माना जाता है कि पहला व्लॉग क्रिएट किया गया था 22 साल पहले एडम कॉन्ट्रास्ट ने, जिन्होंने एक 15 सेकंड की क्लिप पब्लिश करी थी। पर ये व्लॉगिंग का फिनोमेनन बेसिकली बढ़ा 2005 के बाद जब यूट्यूब लॉन्च हुआ। पर ये जो वीडियोस थे यूट्यूब पर वो इतने एंजॉयबल नहीं थे, क्योंकि जो कैमरा क्वालिटी होती थी तब की वो इतनी अच्छी नहीं थी। पर ये चेंज हुआ 2012 में, जब इन महाशय ने व्लॉगिंग स्टार्ट करी। I'm getting a ticket for riding my bike not in the bike lane. इनका नाम है केसी नाइस्टैट, जो एक अमेरिकन फिल्म मेकर और पॉपुलर व्लॉगर है, जो ऐसे व्लॉग्स बनाने लग गए जो ऑलमोस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के थे। केसी ने कट्स, कैमरा एंगल्स, कलर कॉन्ट्रास्ट और कई दूसरी टेक्निकल चीजें इंट्रोड्यूस करी व्लॉगिंग की दुनिया में, जो पहले बस फिल्म्स और टीवी शो की शूटिंग में ही देखी जाती थी। और उन्होंने ही डेली व्लॉगिंग का फिनोमेनन स्टार्ट किया। एक टाइम पर उन्होंने 600 लगातार दिन व्लॉग की अपनी जिंदगी। उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर, और क्योंकि अब स्मार्टफोन कैमरास की क्वालिटी भी बढ़ गई थी और उनका दाम भी कम हो गया था, इसी वजह से व्लॉगिंग और पॉपुलर हो रही थी। जैसे ये ग्राफ दिखाता है कि कैसे गूगल सर्चेस व्लॉगिंग पर इंडिया में 2014 से बढ़े हैं। और अब व्लॉगिंग करना इतना पॉपुलर हो गया है कि कई बच्चे अब व्लॉगर्स बनना चाहते हैं प्रोफेशनली। जैसे 2019 में एक सर्वे किया गया था यूके और यूएस में, जहां बच्चों से पूछा गया कि उनको बड़े होकर बनना क्या है, और मोस्ट बच्चों ने क्या कहा, एक व्लॉगर या फिर यूट्यूबर। Hello, welcome to my YouTube channel, guys. I want to reach 1 million. Okay, thank you. कई लोग दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहते, वो क्रिएटिव चीजें करना चाहते हैं जैसे व्लॉगिंग। और ये एक कारण था जिसकी वजह से मैंने भी अपनी जॉब क्विट करी थी, ताकि मैं अपने चैनल पर ज्यादा ध्यान लगा सकूं। मैं मेरे चैनल की स्क्रिप्टिंग और स्पेशली एनिमेशन की क्वालिटी इंप्रूव करना चाहता था। पर आप में से कई लोग हमें मैसेज करते हो कि हम अपनी एनिमेशन करते कैसे हैं, और ऑनेस्टली हमने कई रिसोर्सेज यूज करी अपने स्किल डेवलप करने के लिए। और एक प्लेटफॉर्म जो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आपको, वो है Skillshare। Skillshare एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है, जहाँ आप हजारों क्लासेस ले सकते हो कई क्रिएटिव स्किल्स, जैसे वीडियो एडिटिंग पर। जैसे मैंने Skillshare पर जॉर्डी वैंडरपुट की एक क्लास ली थी आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन सीखने के लिए,
कि मास्किंग क्या होती है या फिर की फ्रेमिंग क्या होती है। फिर मैंने MKBHD की भी क्लास ली थी जो दुनिया के टॉप यूट्यूबर्स में से एक हैं जो अपने यूट्यूब स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग के बारे में बात करते हैं, और उन्होंने मुझे मदद करी हमारे वीडियोस की डिजाइन इंप्रूव करने के लिए। और स्किल शेयर पर कई इंडियन क्रिएटर्स की भी क्लासेस हैं, जैसे अलिशा सूजा की इलस्ट्रेशन क्लास, एकता चौधरी की गार्डनिंग क्लास और कई और। पर ये सारी क्लासेस एड फ्री हैं, जिसका मतलब है कि आप पूरे फोकस के साथ इन क्लासेस को देख सकते हो। और बेस्ट पार्ट है कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी स्किल शेयर की पूरी लाइब्रेरी पर एक अफोर्डेबल प्राइस। जैसे स्किलशेयर के एनुअल सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 2,000 रुपए, यानी कि नियरली 166 रुपीज पर मंथ, और कई बार तो हमारा डिनर ऑर्डर भी इससे ज्यादा दाम का होता है। तो डिस्क्रिप्शन में एक कस्टम लिंक है, और पहले 1,000 लोग जिस लिंक को क्लिक करेंगे उनको 1 महीने का ट्रायल मिलेगा, तो उसको जरूर चेकआउट कीजिए। तो अब सवाल है कि मुझे इरफान जुनेजू के व्लॉग देखना इतना पसंद क्यों है? बस टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन ही कर सकती। ये तो नहीं है कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई और उनका कैमरे की क्वालिटी बढ़ गई इसलिए मैं उनके व्लॉग देख रहा हूँ। पीपल लाइक कि दूसरे की जिंदगी में क्या हो रहा है, एंड इट्स अ थिंग, यू आल्सो माइट लाइक इट, आई आल्सो लाइक इट, वी ऑल लाइक इट कि अरे मेरे दोस्त के घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। सो इट्स अ ह्यूमन थिंग कि किसी की जिंदगी में क्या हो रहा है। आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर सो प्रोग्रेसिव। द रीजन वी आर प्रोग्रेसिंग एवरी डे बिकॉज हमको, अरे मुझे उससे बेटर बनना है, अरे उसने 100 किलो उठाया मैं 110 किलो उठाऊंगा, 150 उठाया मैं 200 उठाऊंगा। अच्छा वो कर क्या रहा है यार, वो पढ़ाई कितना कर रहा है, अच्छा इंजीनियर बन गया, मैं MBA भी करूंगा। तो ये जो हमारी जो फीलिंग्स होती है कि हमको जानना है कि दूसरे की जिंदगी में क्या हो रहा है। मीडिया साइकोलॉजी प्रोफेशनल जेम्स होल्डन कहते हैं कि व्लॉग्स की पॉपुलैरिटी के पीछे 3 फैक्टर्स हैं, वैरायटी, पेस और रिलेटेबिलिटी। वो कहते हैं कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स ने हमें एक्सेस दे दी है कि हम किसी भी व्लॉग टाइप को देख सकते हैं, चाहे वो फ्लाइंग बीस्ट हो या फिर सौरभ जोशी। दूसरा फैक्टर है इन व्लॉग्स की पेस। ये व्लॉग्स जो होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते मेरे वीडियो की तरह, इनमें फास्ट पेस मूवमेंट होती है। यू आर ट्रोल। कई कट्स होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं और नए कैरेक्टर्स होते हैं ताकि आप कभी बोर्ड ना फील करें। ऐसे मान लीजिए कि मेरे वीडियो में कोई इन्फोग्राफिक्स या फिर एडिटिंग नहीं है, बस मेरा चेहरा है, तो क्या आपको वो अच्छा लगेगा? तीसरा कारण, और जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है रिलेटेबिलिटी। जो व्लॉग्स होते हैं वो कैंडिड होते हैं, रॉ होते हैं, रियल होते हैं। व्लॉग्स को बहुत ही मुश्किल होता है फेक करना। आप एक बार फेक कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी, पर जब आप 5-6 साल से डेली व्लॉग कर रहे हैं जैसे फ्लाइंग बीच की तरह, तो ऑडियंस को पता चल जाता है कि आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी है कैसे, और कई लोग आपकी ऑथेंटिक पर्सनालिटी से रिलेट करते हैं। जैसे हो सकता है कि कई IIT के इंजीनियर्स फ्लाइंग बीच के वीडियोस देखते हो क्योंकि वो उनसे रिलेट करते, उनको लगता है कि अरे ये तो इतने पॉपुलर है पर इनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो आंसर योर क्वेश्चन कि आपकी ऑडियंस कैसी है, आपकी ऑडियंस कैसी है, मेरी जैसी है। जैसा मैं हूँ मेरी ऑडियंस वैसी ही है। और एक और कारण है जिसकी वजह से हमें व्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं, ये ऑथेंटिक तो होते ही है पर सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कंसिस्टेंट भी होते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं मुंबई का निखिल का फैन हूँ, तो मुझे पता है कि हर दिन एक नया व्लॉग तो आएगा ही आएगा, और ये एक टीवी शो की तरह हो जाता है जहाँ मुझे ये पता था कि प्रीवियस एपिसोड में क्या हुआ था, और ये देखने के लिए कि उनकी कहानी फिनिश कैसे होगी मैं नया वीडियो भी देखना चाहूंगा। और थोड़े टाइम बाद फिर एक ऑलमोस्ट कम्युनिटी बन जाती है उस व्लॉगर के आसपास। तो हो सकता है कि पहले फ्लाइंग बीस के फॉलोअर्स बस जिम एंथुजियास्ट हो, पर अब ये इतना मैटर नहीं करता कि फ्लाइंग बीस का हर वीडियो उनके जिम में नहीं है। अब क्योंकि उनके अराउंड एक कम्युनिटी डेवलप हो गई है इसलिए वो उनके कंटेंट को हर जगह फॉलो करते हैं। ऑलमोस्ट है कि अब हम उनके एक वर्चुअल दोस्त की तरह हो गए। आई मीन वी ऑथेंटिकली शेयर आवर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस एंड वी जस्ट ट्राई टू टेक देम अलोंग ऑन आवर जर्नी। जो भी हो रहा है हम वैसे दिखाते हैं, ज्यादा स्ट्रक्चर करने की कोशिश नहीं करते, ज्यादा पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं करते, जो भी होता है हम वो दिखाते चले जाते हैं। और एक्चुअली रिसर्च ने दिखाया है कि व्यूअर्स का एक इमोशनल कनेक्ट भी बन जाता है व्लॉगर्स के साथ। इसे पिछले साल नेदरलैंड्स की टिलबर्ग यूनिवर्सिटी ने 2000 व्लॉग्स को एनालाइज किया था और ये देखा था कि लोग रिएक्ट कैसे कर रहे थे इन व्लॉग्स को देखने के बाद। स्टडी ने बताया कि व्यूअर्स एक्चुअली व्लॉगर्स के इमोशंस रिफ्लेक्ट कर रहे थे। इसका मतलब है कि अगर व्लॉगर एंग्री था वीडियो में, ऑडियंस भी एंग्री हो जाती, और अगर व्लॉगर खुश था ऑडियंस भी खुश हो जाती। और ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है देखना, जब गौरव तनेजा ने अनाउंस किया था कि उनका एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनकी एयरलाइंस के साथ एयर एशिया, तो लोगों ने बॉयकॉट एयर एशिया स्टार्ट कर दिया था ट्विटर पर। पर हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, कई व्लॉगर्स बहुत सक्सेसफुल हैं पर व्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है। हमें बस वो दिखता है जो कैमरा के आगे होता है, कैमरे के पीछे वाला हिस्सा नहीं। प्रॉब्लम इज दिस कि
कल्चर बहुत ग्रो हुआ वीडियो मेकिंग का थैंक्स टू रील्स ऑल्सो शॉर्ट्स ऑल्सो बट एक प्राइवेसी का रिस्पेक्ट खत्म हो गया. सो समवन कम्स दे से योर फैन तो वो बोलेगा कि मेरे पास पूरा राइट है कि मैं तुझे फिल्म करूंगा इवन विदाउट योर कंसर्न. सो दिस इज द प्राइस यू पे दैट इफ यू टेल देम डोंट देन वो बोलेगा ये क्यों मुझे मना कर रहा है, ये तो खुद वीडियो बनाता है, ये तो खुद इसको फैमिली बोलता है. अब उस मोमेंट पे वो कैसा कैप्चर करेगा क्या करेगा यू हैव नो आइडिया. सो ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ. इसे मैंने खुद कई बार सोचा है कि क्या मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत कूल मीडियम है, आई थिंक बहुत लोगों को कुछ वैल्यू भी मिलेगी और ये एंटरटेनिंग हो सकता है. पर मैं ऑनेस्टली डरता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि क्या मेरी जिंदगी बस एक कैमरा के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाएगी, उसका क्या इम्पैक्ट होगा मेरे रिलेशनशिप्स का, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरी फैमिली के साथ, और क्या ऐसा होगा कि मुझे बुरा फील लगेगा कि अगर मैंने एक बहुत अच्छी मोमेंट एक्सपीरियंस करी पर वो कैमरा में नहीं आई. जैसे रमनीक सिंह की बात करते हैं जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ व्लॉग्स बनाते हैं और जिनके यूट्यूब पर 40 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, पर क्योंकि उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अब ज्यादा अंतर नहीं है इसका असर उनकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ा है. रमनीक की वाइफ पुनीत ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक ऑनलाइन पब्लिकेशन को एक इंटरव्यू में बताया कि जब उनका वीडियो अपलोड होता है तो उनके वीडियो एनालिटिक्स का ग्राफ डिसाइड करता है कि उनके परिवार का दिन कैसे जाएगा. अगर वीडियोस अच्छी तरह चलते नहीं है तो उनका पूरा परिवार बहुत सैड हो जाता है. इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि रमनीक कहते हैं कि जब भी कोई लड़ाई होती है फैमिली पर तो उसको बस 2 घंटे के लिए रोक दिया करो, बस ये कंडीशन है कि कैमरा के आगे मत लड़ो. राशि लस्कारी जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कई यूट्यूब फैमिलीज और पेरेंट्स को काउंसिल किया है, वो कहती है कि जब फैमिली मेंबर्स के इंटरेक्शन व्लॉगिंग के लिए यूज किया जाते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स पर, और जब किसी भी व्लॉगिंग परिवार में बच्चे मौजूद होते हैं तो सिचुएशन और चैलेंजिंग हो जाती है. जैसे राशि कहती है कि जब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना आपकी एक जॉब भी हो जाती है तो फैमिलीज नेचुरल मेमोरीज क्रिएट नहीं कर पाती जो यूट्यूब की जिंदगी के बाहर होती है, जिसकी वजह से बच्चे इतने अटैच महसूस नहीं करते. इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो सेलिब्रिटीज बन जाते हैं और उनकी पूरी जिंदगी ऑनलाइन हो जाती है बिना उनकी परमिशन के. ये बच्चे अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस पूरी तरह रिवर्स नहीं कर सकते. अब कुछ कंट्रीज जैसे फ्रांस इस बारे में स्टेप्स उठा रही हैं. जैसे फ्रांस ने रिसेंटली एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करी जहां एक चाइल्ड इन्फ्लुएंसर की राइट होगी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस डिलीट करने के लिए. वेरी गुड, अच्छे, बहुत अच्छी चीज है. मैं फुल सपोर्ट करता हूँ. अभी देखो कैसा है ना कि आज छोटा बच्चा है वो तो लोग बहुत प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, लेकिन कल को वही जब टीनेजर बनेगा और उसके दोस्त लोग बोलेंगे तो बहुत फेमस चल इसका केस लेता हूं मैं, और वो उसी के वीडियो को निकाल के उसका प्रॉब्ली मीम बनाएगा या जोक बनाएगा तो उसको एम्बैरेसिंग फील होगा एंड प्रॉब्ली द किड कैन ट्रॉमेटाइज. सो आई थिंक दैट्स अ गुड लॉ एंड दैट शुड बी यूनिवर्सल. तो उस वीडियो की वजह से मुझे ये पता चल गया कि मुझे इरफान जुनेजो के व्लॉग्स इतने पसंद क्यों हैं, पर एक मुझे कंक्लूसिव आंसर नहीं मिला कि क्या मुझे व्लॉग्स बनाने चाहिए या नहीं. अब कई पॉजिटिव्स भी हैं पर कई नेगेटिव्स भी हैं और मैं अपने दिमाग में डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे व्लॉग्स बनाने चाहिए या नहीं. पर जब तक मेरे दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन है एटलीस्ट मैं इरफान जुनेजो और दूसरे लोगों के व्लॉग्स से देख सकता हूँ.